सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, तंदुरुस्ती के लिए योग है इस बार योग दिवस की थीम। योग दिवस पर एबीपी गंगा की अपील, घर पर ही रहकर करें योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कहा कोरोना काल में योग उम्मीद की किरण बनकर निकला। योग ने लोगों में भरोसा जताया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मेडिकल साइंस ने भी योग अपनाया है, डॉक्टरों ने इसे अपना सुरक्षा कवच बनाया। मेडिकल साइंस इलाज के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त बनाता है। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और निगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है योग। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लोगों को एक मंत्र दिया, कहा योग से सहयोग तक के मंत्र से पूरा होगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ का मिशन। योग हमें अवसाद से उमंग और परमाद से प्रसाद तक ले जाता है। पीएम ने कहा, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा कि अगर कोई बीमारी है तो उसकी जड़ तक जाओ, फिर उसका इलाज शुरू करो। योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। पीएम ने कहा, भारत ने ही यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीएम बोले, कोरोना के वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे कठिन वक्त में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। पीएम मोदी ने कहा, अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। योग दिवस के मौके पर सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई, कहा योग अपने आप में एक जीवन पद्धति है, योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। योग ये केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, ये अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग दिवस के अवसर पर हम सभी को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेना चाहिए। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ में फंसे 9 लोग, SSP के जवानों ने रेस्क्यू कर सभी को बचाया। घरों के अंदर पानी भर जाने से दूसरी जगह सामान निकाल कर ले जा रहे हैं लोग, नाव का लिया जा रहा सहारा। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रामपुर प्रशासन सतर्क, बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन ने जिले भर में 36 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर कर दिया। अधिकारी लगातार लालपुर डैम पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गोरखपुर में रोहिन नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई, तो वहीं बड़घाट पर राप्ती और घाघरा भी डेंजर लाइन के करीब हैं। नदी के आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, गांव में आवागमन बाधित होने की वजह से नाव लगानी पड़ी।
आजमगढ़ में खुलेआम कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोपालगंज मैरिज हॉल में डीजे पर बिना मास्क के नाच रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर शादी समारोह का वीडियो हुआ वायरल। कंधारपुर थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के चिरंजीवी विहार इलाके में चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। दो बाइक सवार बदमाशों ने कार में बैठी महिला से मोबाइल को लूटने की कोशिश की। महिला के हिम्मत दिखाने पर बदमाश भाग निकले। कासगंज के भलालपुर गांव में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। मृतक ने 15 साल पहले आरोपी के पिता की हत्या की थी। हत्या के बाद कई सालों तक वो जेल में था। अमरोहा में सदर एसडीएम की छापेमारी में होटल के अंदर मिली भीड़। मेन शटर बंद कर अंदर के रास्ते से जमा की गई थी भीड़। एसडीएम ने 20 से ज्यादा ग्राहकों पर की कार्रवाई। होटल को किया सीज। प्रयागराज के उतराव थाने के सिपाही को आशिक मिजाजी भारी पड़ गई। जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंची महिला के नंबर पर सिपाही भेजता था अश्लील मैसेज। महिला की शिकायत करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अंबिका चौधरी के बीएसपी से इस्तीफा देने के सवाल पर बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा, आज तक की राजनीति में ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर ये बीएसपी से चुनाव नहीं लड़े होते तो इनकी जमानत नहीं बचती। चुनाव से पहले यूपी भाजपा ने की 15 प्रवक्ताओं की घोषणा। लिस्ट में 6 नए स्पोक्स पर्सन को भी मिली जगह। आलोक अवस्थी को बनाया गया प्रदेश प्रवक्ता। उनतीस और 30 जून को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के बाद होगी बैठक। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में उमेद पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। शुरुआती पूछताछ में कुबूला जुर्म, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला हुआ जारी। सीएम योगी से मिली ड्राफ्ट को मंजूरी। कुछ ही दिनों बाद जारी किया जाएगा रिजल्ट। कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे से पूर्व अधिकारियों के निरीक्षण का दौर हुआ तेज। डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ किया झींचक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जनता ने भाजपा को नकारा तो अब प्रशासनिक अधिकारी लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए चुनाव। मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। 1 जुलाई से खोली जाएगी चारधाम यात्रा। पहले चरण में स्थानीय लोग ही कर सकेंगे दर्शन। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लोग कर पाएंगे दर्शन। 11 जुलाई से उत्तराखंड के सभी लोग कर सकेंगे यात्रा। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। इस बार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। देवभूमि में 50% क्षमता के साथ प्राइवेट संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। 29 जून तक पहले की तरह जारी रहेंगी जरूरी सेवाएं। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को अब आरटीपीसीआर के साथ एंटीजन टेस्ट से भी मिलेगी एंट्री। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग के लिए लागू होगा नियम। एंटीजन रिपोर्ट के साथ भी राज्य में एंट्री मिलेगी। कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने में केंद्र सरकार ने जताई असमर्थता। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया, अगर राज्यों को 4 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा। खटीमा में लगी यूपी सीमा पर यूपी से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। रोजाना 200 से 250 लोगों की ली जा रही है सैंपलिंग। यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ने अखबारों में दिया विज्ञापन। विज्ञापन में लोगों को राशन, सैनिटाइजर के लिए मदद के लिए आम लोगों से आर्थिक सहायता की अपील की। कानपुर में पुलिस, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और ब्लड बैंक ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया।
जिसमें हर परिवार से एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट करने की अपील की। 50 लोगों के लक्ष्य में 75 लोग ब्लड डोनेट करने पहुंचे। वाराणसी में हास्य कलाकार शफीक का हंसौड़ अंदाज सबको प्रभावित कर रहा है। शफीक मोबाइल स्टैंड अपने हंसौड़ अंदाज में बेचते हैं और लोगों को इनका अंदाज बेहद पसंद है। उन्नाव जिलाधिकारी ने गंगा के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बिजनौर में गंगा किनारे बसे गांवों में घुसा पानी, सड़कों से घरों में घुसा 2 फीट पानी, पशुओं को नहीं मिल रहा चारा, जंगल के डेरे में फंसे 14 ग्रामीण, SDRF और PSC के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अपर गृह मुख्य सचिव पहुंचे कन्नौज, परिवार के साथ पहुंचे कन्नौज, गंगा स्नान करने का था कार्यक्रम, कन्नौज के मेहंदी घाट पर हुआ कार्यक्रम। बिजनौर में पुल के ऊपर आया गंगा का पानी, जान जोखिम में डालकर बसें कर रहे हैं पार। यूपी उत्तराखंड की बसें हो रही पुल से पार, थाना मंडावली के कोटवाली नदी पुल का मामला। उन्नाव में खबर का बड़ा असर, गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान का मामला सामने आया। खबर के बाद उन्नाव DM कटान देखने खुद पहुंचे, लापरवाह राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट भी मांगी। शामली के कांधला में गली में जलभराव को लेकर मोहल्ले के लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी को शिकायत कर जलभराव से निजात दिलाने की मांग की। बिजनौर में गंगा बैराज पुल खतरे के निशान पर 1 फीट ऊपर बह रही गंगा, गंगा बैराज पुल के सभी गेट खुले, पुलिस प्रशासन गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद में जुटी। बिजनौर में गंगा में फंसे 10 मजदूरों को निकाला गया, PSC और पुलिस ने घंटों बाद मजदूरों को निकाला। जलस्तर बढ़ने से गंगा की टापू के बीच फंसे थे मजदूर, थाना मंडावर के शिमली कला इलाके का मामला। सीतापुर में लोग बाढ़ और बारिश से काफी परेशान, नेपाल से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से गांजर इलाकों में मची तबाही। ब्लॉक रामपुर मथुरा से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के पूर्वांचल में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर, काशी में भारी बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सुल्तानपुर में दशकों से मजूई नदी पर बना शाही पुल टूटा, बारिश के चलते मिट्टी धंसने से पुल टूटा, लोगों को बड़ी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन पर रोक लगाई। कन्नौज में DM SP एडिशनल SP महिला SO ने गंगा में नाव पर बैठकर जलस्तर का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान नाव में बिना सेफ्टी जैकेट के बैठे नजर आए। अंबेडकर नगर से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का पिछले 2 दिनों से जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, नदी के किनारे के गांवों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल, किनारों पर हो रही कटान रोकने के लिए प्रशासन की कवायद शुरू। श्रावस्ती में किसानों की फसलों का हुआ नुकसान, गेहूं क्रय केंद्रों पर खड़ी गेहूं से लदी ट्रॉलियों में पानी जाने से गेहूं पूरी तरह से भीगा। हमीरपुर गांव के तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबने लगे, तभी एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई, 2 बच्चों को बचाया गया, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
लखनऊ में बैंक के एटीएम में लगी आग। पीएनबी हजरतगंज बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। हमीरपुर गांव के तालाब में नहाने गए तीन बच्चे डूबने लगे, तभी एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई, दो बच्चों को बचाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कन्नौज के सकरावा सौरिक रोड पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, तीन श्रद्धालुओं की मौत, 28 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, बाल बाल बचे कार सवार। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस, कड़ी मशक्कत के बाद कार को खाई से निकाला गया। बेतवा नदी में बने चंदौत पुल का मामला। कानपुर में पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, 10 जून को क्षेत्रीय दबंगों ने की थी युवक की पिटाई। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बर्राजपुर की घटना, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विंध्यांचल में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पर दर्शन पूजन को लेकर विवाद, मंदिर की सीढ़ी के पास आधा दर्जन पुलिस वालों ने स्थानीय तीर्थ पुरोहित की जमकर पिटाई की, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में बेखौफ दबंग युवक ने दिखाई दबंगई, दिन दहाड़े सरे बाजार, हाथ में चाकू लहराया, सड़क किनारे फल वाले की जमकर की पिटाई, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, थाना धामपुर के मुख्य बाजार का मामला। सोनभद्र में गृह कलह से तंग आकर एक दिव्यांग मां अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिसमें दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई, ग्रामीणों ने मां को बचा लिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघ का कंकाल बरामद हुआ, वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। कर्णप्रयाग में नैनीसैंण मोटर मार्ग हुआ बाधित, पहाड़ी से चट्टान खिसकने से हुआ मार्ग अवरुद्ध, दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से कटा, रास्ते में फंसे वाहन, पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार, शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह में कर रहे हैं प्रतिभाग, शांति कुंज की स्थापना को 50 वर्ष हुए पूरे, शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या भी मौजूद। लखनऊ की काला कांकर कॉलोनी के पीछे नाले पर अतिक्रमण करने वालों की अराजकता से अपने मकान पर बिकाऊ है के पोस्टर लगाने वालों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। अंबेडकर नगर में अचानक दंगे का माहौल बनाया गया, दबंग और पुलिस आए आमने सामने, पुलिस दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल कर रही थी। बरेली में निर्माणाधीन 100 बेड महिला अस्पताल में तीन मंजिला इमारत पर चढ़ा सांड, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना नगरपालिका को दी, नगरपालिका की टीम ने जेसीबी की मदद से सांड को उतारा, इस दौरान सांड ने कई लोगों को किया चोटिल। मालदीव्स में कोरोना से बुरे हालात, यहां के सबसे बड़े अस्पताल में सिर्फ 300 बेड, एक भी नर्स नहीं, 4 लाख की आबादी वाले देश में एक मेडिकल कॉलेज। वैक्सीनेशन में पिछड़ा अमेरिका, अटलांटा में 50% लोगों को वैक्सीन का एक ही डोज लगा, 4 जुलाई तक 70% आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य था, बाइडेन ने कहा कि लोग जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं। अमेरिका पाकिस्तान में बढ़ती तल्खी, इमरान बोले यूएस को मिलिट्री एयरबेस नहीं देंगे, राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने अब तक खान से नहीं की है बात।
तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अगले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ भी हिस्सा लेंगे। टीम इंडिया 217 रन पर ऑल आउट, तीसरे दिन 71 रन बनाने में 7 विकेट गंवाए। जेमिसन ने पांचवी बार 5 विकेट झटके। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार योग के माध्यम से उन्होंने अपने माता पिता को तंदुरुस्त कर दिया है। फादर्स डे पर भावुक हुई रिया चक्रवर्ती, पापा से कहा मुझे माफ कर दे, समय कठिन था। रिया की इस पोस्ट पर उनकी दोस्त शिबानी डांडेकर ने रिया की तारीफ की। लॉकडाउन के बाद पति संग घूमने निकली मोना सिंह। मोना ने 27 दिसंबर 2019 में श्याम गोपालन के साथ 7 फेरे लिए थे, जिसके बाद से ही उन्होंने अपना ज्यादातर समय लॉकडाउन में बिताया। अब कपल जिम कॉर्बेट में मस्ती करते नजर आए। नोरा फतेही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस और मलाइका अरोड़ा के साथ वो जमकर डांस करती नजर आ रही हैं। ये एक थ्रोबैक वीडियो है।